अभी हम लोग आए थे कराची की, मतलब बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट, अभी जो अब रिसेंट तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसको, इसको कहते हैं पोर्ट ग्रैंड करके। पोर्ट ग्रैंड ये बेसिकली पोर्ट पर ये मतलब समझ लें फूड स्ट्रीट बनाई। इसका जो टिकट है वो एडल्ट्स का है 300 रुपीज़ और 5 ईयर्स अबव का 300 रुपीज़ है, उससे कम का नहीं। और ये बाकी ये इसका एंट्रेंस है, वेलकम टू पोर्ट ग्रैंड। ये पूरा इसका जो है मामा को अंदर जाके पूरी सिक्का भी वो दिखाते हैं। और ये बहुत ही मतलब फेमस है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो जो बहुत सारा एरिया जो पोर्ट पे लगता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और जहाँ आपको पता है जहाँ पर बीच हो या कुछ सी साइड का एरिया हो, तो वहाँ वैसे ही लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। तो अभी हम आपको अंदर भी विजिट कराते हैं, आए आप चलते हैं पोर्ट ग्रैंड। जब आप एंटर होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको चारों तरफ बहुत ही मतलब एक जैसे कहते हैं ना वाइब्रेंट सा आपको माहौल मिलेगा, एटमॉस्फेयर बहुत वाइब्रेंट है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे आपको शायद नज़र आ रहा है फायर वर्क्स कर रहे हैं कुछ, अभी हम आपको दिखाते हैं। बताया था पोर्ट ग्रैंड जब भी आपका आना होगा तो यहाँ का जो टिकट है वो 300 रुपीज़ है। और इसके अलावा ये है कि ये अभी जो टाइमिंग है उस टाइम पे ज़्यादा इतना रश नहीं है, मतलब हम जो हमारा जो आने का भी जो टाइम है तकरीबन यहाँ पे भी 8 बज रहे हैं, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। अगर आप लेट आवर्स में आएंगे तो रश आपको ज़्यादा यहाँ मिलेगा। तो ये है कि अगर आप थोड़ा अर्ली आएंगे तो आपको ज़रा यहाँ पर एक्टिविटी आपको ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें जिस मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ तो यही है कि आप यहाँ पर कोई मतलब कुछ वो हैं ट्रेन्स वगैरह हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ ज़्यादा है। और इसके अलावा जो अगर जो बड़े हुए जैसे इन्जॉयमेंट है तो वो जिस तरह भी अभी देख रहे हैं बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। और बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह की जहाँ तक बात है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हम अभी आपको लेके जाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट्स पर आपको काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पर कुछ ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको अभी दिखाते हैं जाके, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह खाने को इन्जॉय कर सकते हैं। लोग जो है साइकिल की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, वैसे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यहाँ जो लेडीज़ हैं वो भी साइकिल वगैरह मतलब यूज़ कर रही हैं और चला रही हैं, थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटी है। देखिए आप साइकिल सारी आपको रेंट पर मिलेंगी है, इनके मुख्तलिफ चार्जेस हैं। और अभी देखिए इस तरह बड़े भी चला रहे हैं, इसके अलावा छोटे बच्चे भी चला रहे हैं, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं, जंपिंग
जंपिंग बैलून कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये भी यहाँ पर आपको, ये तो अगर आपको हर जगह ही मिलेगा कराची में, ये बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है बच्चों को, तो ये बहुत ज़्यादा आपको। इसके अलावा तो कल ये हॉन्टेड हाउसेज वगैरह, ये जो भूत बंगला वगैरह का भी यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ, ये देखिए हॉन्टेड हाउस। चलें फरीद भाई, भूत बंगला, भूत बंगला चले क्या? ये भूत बंगले क्या चार्जेस वगैरह है? 100 रुपीज पर बंदा। भूत बंगले का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हॉन्टेड हाउस के नाम से, और ये 100 रुपीज़ इसका टिकट है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डरना चाह रहे हैं, वैसे तो हम लोग ज़िंदगी में डरे हुए ही हैं, लेकिन और मज़ीद डरना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आके थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हैं। सर एक जी जिनके ये इनका है, ये बता रहे हैं, जिनके दिल में डर खौफ हो वो भी मतलब हिम्मत पकड़ते हैं और आगे इसको एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय भी करते हैं, अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत मज़ा भी आते हैं। मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़, मतलब थोड़ा सा बताइए। मतलब दो रूम वगैरह है, उसमें एक रूम में एक्शन होगा, दूसरे रूम में जो ना आप जाएगी नहीं चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा, यानी कि बहुत सारा फन, मतलब फन है, मतलब फुल है। आप इसको, इनका मकसद ये कि आप इसको भी इंजॉय करें। जो नॉर्मली ऐसी जगहों पर होता है स्पेशली बच्चों के हवाले से, यहाँ पे किड्स की जो है एक्टिविटीज़ है। बाकी भी हम चलते हैं रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये भी है फरीद भाई कि चारों तरफ से बाउंड्री वाली एरिया है। हाँ ठीक है, फैमिलीज़ वगैरह अगर आए ना बच्चों को छोड़ दें तो कहीं बच्चे जा ही नहीं सकते, चारों तरफ से ऊँची ऊँची बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री से पूरा कवर्ड, बच्चे अपना फन करते रहें, खेलते रहें, बच्चों के लिए मतलब काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, ये जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये पोर्ट ग्रैंड का ये वो स्टेज है जो यहाँ पर पहले हर किस्म की परफॉर्मेंस वगैरह होती थी, जिसमें डांसेस वगैरह हैं या इसके अलावा कुछ मैजिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं वो इस जगह पर होती थी, लेकिन अभी इन्होंने इस जगह को चेंज कर दिया। और सामने अगर आप मेरे देखेंगे वो जगह जो स्टेज है, अब इसको जितनी भी परफॉर्मेंसेज होती हैं वहाँ पर मतलब परफॉर्म की जाती हैं, तो वो अभी मेन समझने स्पॉट बना दिए जहाँ पर मतलब फायरवर्क्स वगैरह का जो एक्टिविटी है या किसी किस्म की डांसिंग की कोई एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो स्टेज है। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है और लोग यहाँ पर सिटिंग करते हैं। इसके अलावा और अपना कुछ प्रॉम्स वगैरह को देखना हो, अगर आपको डांस वगैरह देखना है, कुछ सिंगिंग वगैरह, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी होती है वो सामने होती है। ये जो इसकी पोर्ट ग्रैंड का जो लिखा हुआ पूरा, ये जो इसकी जब इनोग्रेशन वगैरह हुई थी तो ये डॉक्टर इशरफुल बाद गवर्नर सिंह होते थे, जिन्होंने एक सुने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था गवर्नरशिप का, उन्होंने इसका मतलब इनोग्रेशन किया था। मैं इसकी हाईलाइट आपको कर रहा हूँ कि ये बहुत फेमस मतलब पर्सनैलिटी थी। बाकी ये कि ये जो है पोर्ट ग्रैंड का ये जो एरिया है, ये वैसे तो थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है यहाँ पर मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाना, क्योंकि ये पोर्ट का एरिया लगता है, सारा पूरा पोर्ट एरिया है। तो लेकिन हमने यहाँ पर परमिशन ली है, लेकिन ये कि हम फिर भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि हम किसी ऐसी चीज़ को मतलब वो ना करें जो मतलब हमें अलाउ ना हो। सामने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जो मतलब सी के अंदर जो मतलब कुछ लॉन्चेस वगैरह खड़ी हुई हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप जाके बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। ये वैसे पोर्ट ग्रैंड से हट के थोड़ा सा मतलब अलग से, इसकी एंट्रेंस जो है वो यहाँ से, और वो जो वहाँ जाने के लिए आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जहाँ पे हम लोग सेटिंग करके अभी जहाँ बैठे हुए हैं, ये बेसिकली समझ लें बिल्कुल जो हमारे पोर्ट है उसके बिल्कुल फ्रंट का एरिया, और इसमें ये है कि ये जो मेन सिटिंग एरिया जो है ना, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह देख रहे हैं फिर बैक साइड पे भी, तो ये सब एरिया जो है यहाँ पर डाइनिंग वगैरह सारे रेस्टोरेंट्स बाबूजीज़ और बहुत मतलब जितने भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब आपको इसी रूट पर मिलेंगे। ये नहीं समझ लें इन्होंने ये स्ट्रीट जो बनाई हुई है, ये कारपेटेड कारपेट आप देखेंगे सामने, कारपेट भी दिखाएँ, ये कारपेट कारपेट लगी हुई है उसमें ना पूरा, ये बेसिकली मेन स्ट्रीट है जो पोर्ट ग्रैंड को कवर करती है। इसी पूरी लास्ट तक अगर आप जाएंगे कोने तक आपको डिफरेंट मतलब रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको अच्छे ढाबे मिल जाएंगे, मतलब टी स्टॉल्स मिल जाएंगे, छोटे मतलब काफ़ी अच्छे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब ये जो ये एरिया जो है ये सारा खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए, जिसको बेसिक जो मेन फूड स्ट्रीट कहा जाता है ना पोर्ट ग्रैंड की, वो ये जगह है जहाँ हम अभी बैठे हैं। असल में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है थोड़ा मामला, तो डाइनिंग की आपको पता है कोरोना की वजह से डाइनिंग अमूमन रेस्टोरेंट्स की बंद है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं लोग, और मतलब
लोग चाह रहे हैं टेक अवे वाली कंडीशन हो यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं उनकी इस तरह की वीडियो हम मतलब ना बनाएं तो रेस्टोरेंट्स वगैरह की। तो ये है बाकी जो पूरा जो है ये फूड ब्रांड की पूरी फूड स्ट्रीट है, इसका हमने आपको रिव्यू दे दिया। ये जो कहते हैं ना बड़ा यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और आज थोड़ा सा वेदर का भी जो है वो भी थोड़ा सा अच्छी मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, वरना नॉर्मली 3-4 दिन से गर्मी कराची में पड़ रही थी, लेकिन इसकी प्लेजेंट मौसम होने की वजह से भी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। और आपको पता है कहीं पर भी आप हों जहाँ पर सी का कॉन्सेप्ट हो तो वो जगह वैसे ही आपको बहुत मुतासर करती है। ये फरीद भाई ने पानी की बोतल रख दी है। ये आप देखें बड़ा खूबसूरत मतलब एक दरख्त का मतलब एक वो है, तो ये तो मैंने कहा आपको ये जो ट्री है काफ़ी पुराना ट्री लग रहा है, क्योंकि जिसकी जो बेस है ना वो काफ़ी मतलब बड़े उस पर है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने इसको मतलब सजाया हुआ है मतलब लाइट्स वगैरह से, तो अच्छा लग रहा है बहुत ही।